हजरत ईसा ने भी जो मुर्दे जिंदा किए ना, वो ये नहीं थे कि वो कब्र से निकाल के चलना फिरना शुरू कर देते थे। सिर्फ उस वक्त चूंकि तिब बड़े जोर पे थी, मेडिकल, वो जिस तरह हिंदुओं के मानने वाले अपने वो करते हैं, आपके मानने वाले आपको सिखा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल जी नाम है पंजाब रिलेटेड, मैं थोड़े दोस्त नमीत सिंह। सो जी अज की वीडियो दे विच आपां सैकंड पार्ट देख रहे हैं अली मिर्जा साहब की एक वीडियो से जिदा नाम सीगा सब झूठ है। उहदे विच उह अजकल दे बाबियां ते एक सिद्धियां गल्लां जिहड़ियां कर रहे सीगे, ते उह कल्लियां इस्लाम दीयां गल्लां ही नहीं है, उह चाहे सिखिज़म होवे चाहे हिंदुइज़म होवे जां क्रिश्चियनज़ होण, मतलब जिहड़ा मर्जी धर्म होवे, सब धर्मां दे विच जिहड़े इदां दे बाबे जरूर पाए जांदे आ। ते अली मिर्जा साहब वर्गियां शख्सियतां वी पाईआं जांदियां कि जिहड़ियां इहनां दा विद्रोह करदियां, ते इहनां दा मतलब हिक ठोक के जिहड़ा विरोध करदे ने उह, ठीक है। सो उह जिहड़ी वीडियो दा सैकंड पार्ट आपां अज्ज देखदे आ, आ जाओ विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करदे आ शुरू। वड्डे वड्डे आपके मुखालिफ अपने उलमा को इतने वड्डे वड्डे कहते हैं और आपके उलमा को जाहिल कहते हैं। बरेलवी देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं कि नहीं, तो क्या देवबंदियों के उलमा उलमा नहीं है? और देवबंदी बरेलवियों के उलमा को मुशरिक कहते हैं कि नहीं, तो क्या बरेलवियों के उलमा उलमा नहीं है? सुन्नी शिया के उलमा को, शिया सुन्नियों के उलमा को, अहले हदीस इनको, ये सारे अहले हदीस को गुमराह कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं शायद सारी सही कह रहे हो, लग ऐसा ही रहा। क्या आप अपने आप को किताब सुन्नत के सामने पेश करने के लिए तैयार ही नहीं हो? अगर किसी को बात पता चले वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे तक बात पहुंच गई, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि मेरे नबी ने क्या मुझे हुक्म दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी जो उम्मत को देके गए हैं कोई बाबा नहीं देके गए। हज्जतुल वदा के मौका पे क्या फरमाया? मैं अपने बाद तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या दो बाबे, दो मौलवी? नहीं। दो शेखुल कुरान, दो बुजुर्ग, दो सूफी? नहीं। का अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत, इसको पकड़ोगे हदायत पर रहोगे, इसको छोड़ दोगे गुमराह हो जाओ। तो दीन तो ये है, सही है। एक बंदा आपको कुरान सिखा तो रहा है लेकिन खुद कुरान में अमल नहीं कर रहा, तो उसका कुरान का सिखाना क्या है? या जगल मैं आपको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दूं? जब आप मुसलमान हो और मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह की किताब है, आप किताब खोल के मुझे कहेंगे आपने मुझे मुसलमान तो किया लेकिन इस किताब में जो कुछ लिखे आप तो उस पे अमल ही नहीं कर रहे, तो आप उसको क्या ये कहेंगे कि मैं तो कलमा पढ़ाया इस वास्ते मैं जो कहूंगा वही सही है, ये कहेंगे? या कुरान को मानेंगे? कलमा पढ़ाना तो अपनी जगह, बुखारी मुस्लिम हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से, बदकार शख्स से भी दीन का काम ले सकता है। अगर किसी ने किसी को कलमा पढ़ाया ये उसकी बुजुर्गी की दलील नहीं है। अगर कोई कहता है आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया है, बरेलवी देवबंदी उसको बुजुर्ग क्यों नहीं मान लेते? झूठ मारने बंद कर दो, 90 लाख नु कलमा पढ़ाया है, उधर 90 लाख बादी कोई नहीं सी। अगर आपने कलमा पढ़ाने को किसी की बुजुर्गी मानना है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया है ना, तो क्या बरेलवी देवबंदी और शिया मान लेंगे उसे बुजुर्ग? तो सर बरेलवी देवबंदी अगर अपने बाबों को कहते हैं इतनों को कलमा पढ़ाया, तुम भी अपने बोझे च रखो। फिर वो कहने के नहीं जी कलमा पढ़ाने वाला क्या होता है तो बद कीदा है ना, तो सर तुसी भी तुहाड़े कलमा पढ़ाने वाला क्या होता है, तुहाड़े भी अगर बद कीदा ने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? कुरान और सुन्नत से। अल्लाह के नबी के कदमों तक पहुंचो, किसी बाबे के कदमों तक नहीं। इसलिए फरमाया तुम मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत, क्यामत तक के लिए दो चीजें। जो इस पे अमल करेगा हमारे सर का ताज है, और जो अमल नहीं करता गुस्ताखे रसूल है। असल में गुस्ताख वो है, ठीक हो गया जी? आगे सर इन्हां दी गल्लां देखो यार किन्नियां सिद्धियां, चाहे जो मर्जी हो जाए तो सारे जने बाकी जिहड़े बाबे आ उन्हां कोल इक चार गल्लां ही हुंदियां बस जिहड़ियां उन्हां नूं रिपीट कर देंदे, लेकिन इह हमेशा तो एक डॉक्टर जाकिर नाइक, इसरार अहमद साहब, मतलब ये कुछ इदां दे स्कॉलरस आ जिहड़े ना सिद्धी मतलब एक कुरान की गल करते, कोई आप दिल ला के गल्लां नहीं करते। अल्लाह तआला फरमाता है وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, और ये लोग तो काफिर कहते हैं कि बस दुनिया की जिंदगी है, نَمُوتُ وَنَحْيَا, हम इसी में मरते हैं और जीते हैं, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, और हमें जो हलाक करता है ना वो जमाने की गर्दिश करती है, यानी जब टाइम पूरा होता है तो हम मर जाते हैं। कोई ये जिंदगी मौत का निजाम किसी खुदा ने कंट्रोल नहीं किया हुआ, ना क्यामत कायम होनी है, नाउद बिल्ला, सही है। وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ,
हालांकि इनके पास इल्म की रत्ती भी नहीं है। अगर इनके पास इल्म होता तो इनको पता चलता ये निजाम किसी के बनाने से बनाया गया। इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, बस ये अटकल पच्चू चला रहे हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब इन पे हमारी आयात पढ़ी जाती है, बय्यिनात रोशन आयात, मा काना हुज्जतुहुम, तो ये कोई और हुज्जत नहीं करते सिवाय एक हुज्जत के, इल्ला अन्कालू तू बी आबाइना इन कुंतुम सादिकीन, ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो हमारे मरे हुए बाप दादा को जिंदा करके ले आओ, हमारे बाप दादा कब्रों से निकल के ये बात हमें कहें कि नबी अल्लाह का नबी है तब मानेंगे, कुरान को हमने नहीं माना। ये काफरों की दलील थी और ये सारी काफरों वाली रविश आज भी जारी है। हम किसी को बताते हैं ना कुरान में ये लिखा हुआ है, वो कहते हैं ये जो कब्र में चला गया ना ये तो कुछ और बता के गया, तो ये निकल के अगर हमें कहें, देख लो काफर भी ये कह रहे हैं, तो भाई और ना सी उन्होंने कब्र तो बाहर काट सकते हैं, असी तो वही दस रहे जो अल्लाह नबी दास के गए ने कुरान पाक, और क्यामत तक के लिए महफूज सिर्फ अल्लाह की किताब है, किसी किसी बुजुर्ग की तालीमात भी महफूज नहीं है, इतने झूठ बुजुर्गों के ऊपर बांधे गए हैं। इसीलिए कुरान पाक में कई जगह आया कि बुजुर्ग क्यामत वाले दिन खुद अपने मानने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। 2 अरब ईसाई कह रहे हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत ईसा इन लोगों के दुश्मन बनेंगे कि नहीं, क्योंकि हजरत ईसा की तो ये तालीमात नहीं है। शेख अब्दुल कादर जिलानी की कई तालीमात नहीं कि आपको अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर शैयन लिल्ला, कहीं उनकी तालीमात नहीं, तो शेख अब्दुल कादर जिलानी दुश्मन बनेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कई तालीमात नहीं है कि तुम मुझे या अली मदद कह के पुकारो, उनकी तालीमात यही है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, मौला अली का मानने वाला भी वही होगा जो अल्लाह को पुकारे। तो अल्लाह तआला माता जब ये हुज्जत करे तुम इनको कहो قُلِلَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है वही मौत देता है, ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, फिर क्यामत दिन भी वो तुम्हें जमा करेगा, لَا رَيْبَ فِيهِ, जिसमें कोई शक नहीं है, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ है। अल्लाह ने फरमाया कि भाई ये बता दो कि अल्लाह में और बाकी हस्तियों में ये फर्क है कि वो जिंदगी और मौत देते हैं, तो ले आओ। अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी और मौत दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर कोई कैसा कहता है कि दे सकता है, और जनाब किस किस किस्म के झूठ, यानी इन्होंने, यानी वो जी शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद जिंदा कर दी थी। अल्लाह के बंदो तौबा करो, कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मोड़ से कि मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मौजज़ात अल्लाह के पास है, वो कोई मौजज़ा इस किस्म का नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई मुर्दा नहीं कभी जिंदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र आता है, क्योंकि उनका मौजज़ा वो था, हमारे नबी का मौजज़ा कुरान है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा आसा था। वैसे आप सल्लम के बहुत मौजज़ात हैं बुखारी मुस्लिम में, कि मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, मुबारक दुआ से चांद दो टुकड़े हो गया, मुबारक पसीने से खुशबू आती थी, ये मौजज़ात हैं, मुर्दा जिंदा करने वाला नहीं है। तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए, आज भी लें किसी को जो कहता है ना मुर्दा जिंदा कर सकता है तो हम उसे शहीद कर देते हैं, उसकी इजाजत से वो अपने आप को जिंदा करके बताए। हजरत ईसा ने भी जो मुर्दे जिंदा किए ना, वो ये नहीं थे कि वो कब्र से निकाल के चलना फिरना शुरू कर देते थे, सिर्फ उस वक्त चूंकि तिब बड़े जोर पे थी मेडिकल, तो अल्लाह ताला ने उनकी मेडिकल को फेल किया कि कोई मेडिकल, कोई डॉक्टर किसी मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता। अल्लाह ने आया उन मेरा नबी ऐ जेड़ा मुर्दा जिंदा करेगा, और वो सिर्फ इतना होता था कब्र पे गए मुर्दे को जिंदा किया, वो मुर्दा कहता था कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी, वापस चला जाता था, बस इससे ज्यादा नहीं था जिंदा होता ना। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है, जो एक दफा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, नॉट एट ऑल, गया दुनिया में वापस नहीं हो आ सकता। अगर ये बात होती तो हजरत फातिमा रोती रोती फौत क्यों होगी 6 महीने के अंदर, कि मैं अपने बाप का चेहरा अब दोबारा नहीं देख सकूंगी। हजरत आयशा हुजूर की लाडली तरीन बीवी, नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 47 साल तक जिंदा रही हैं, और किधर जिंदा रही हैं, उसी कब्र वाले हुजरे के साथ कमरे में। मैं कहता हूं कोई एक रवायत दिखा दे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कभी जियारत की हो कब्र के ऊपर। आज लोग कहते हैं हमारे घर में आ जाते हैं, झूठ मारने छाड़ दो अल्लाह से बंदो, झूठ। सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार था तो हजरत फातिमा थी, हजरत आयशा थी,
मौला अली थे, उनसे कोई आपको बात नहीं मिलेगी। ये जितनी आपको बातें बताते हैं ना, सारी बुजुर्ग बाबों से बताते हैं, आपको हजरत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की, तो क्या होती ही नहीं है करामत। हम मानते हैं करामत सिर्फ यह है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की, को करके नहीं दिखा सकता। को करके दिखा सकता है तो मैंने कई बार चैलेंज किया है, कोई जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग, मैं अपना इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, वो देख के पढ़ के बता दे। वो जिनको चैलेंज दे रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार है नहीं पढ़ सकते हो। अल्लाह तो पढ़ सकता है ना, मैं अगर कोई फार्मूला लिखूं अल्लाह तो पढ़ सकता है ना। अगर आप मानते हैं कि अल्लाह उनको पढ़ाता है, अल्लाह उनको सब कुछ देता है, अल्लाह दीता है, तो पढ़न ना फिर। और मैं तो इससे बड़ी बात करता हूं, इनकी आप नमाजें सुने, ये नमाज भी सही नहीं पढ़ते होते। मैंने कई लोगों की नमाजें सुनी है, नमाज गलत पढ़ रहे होते हैं। अय्युन नबी को मैंने बताया ना, इधर एक बहुत बड़े पीर साहब थे जेल में, मैं नाम नहीं लेता, एक दिन मैंने उनकी नमाज सुनी, हम वो भी शुगल मिले में बैठ गए नमाज सुनाने के लिए। नमाज में पढ़ रहे हैं अस्सलामु अलैका हय्युहन नबी, मुरीद हजारों है जिनको उन्होंने जन्नत में लेके जाना है, नमाज हय्युहन नबी 25-30 बंदों की मौजूदगी में। और भी बड़ी गलती थी, ये मोटी सी मुझे याद रहेगी, मैं ये क्या पढ़ रहे हैं, वो बचपन से नमाज याद की थी उसी तरह चल रही थी, बाकी आईन हा तो है ही कोई नहीं था ना, वो तो छाट ही दो, वो तो मैं गल ही नहीं कर, मैं जबर जेर की गलतियां हय्युहन नबी। और ये वो है जो कह रहे हैं जना तो बेड़ा तार देना, नमाज नहीं आती दावे। मेरे पास कई लोग आते हैं नहीं वो हमारे सिलसिले में बैत हो जाए, मैंने कहा आपका पीर मुझे सिर्फ ये 17 अजकार जो फर्ज नमाज के बाद कहे ना वो मुझे जुबानी सुना दे, मैं बैत हो जाऊंगा। आज तक दुनिया का कोई पीर सामने नहीं आया, 17 अजकार है फर्ज नमाज के बाद। लोगों को कितने आते हैं, 4 या 5, आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मंत सलाम, तुहाड़ी तो गिनती मुक जानी है 5 तो बाद। ऐसे 17 अजकार लिखे हुए ग्रीन कार्ड पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, दुनिया के किसी पीर को नहीं आते हैं। वो 24 अजकार ब्लू कार्ड पे लिखे हुए हैं जो सुबह शाम के अजकार हैं नबी अलैहिस्सलाम के, कितनी कितनी मुश्किल दुआएं हैं बुखारी मुस्लिम में, किसी पीर को नहीं आती हैं। मैं इससे बड़ा चैलेंज कहता हूं, ये देख के पढ़ के बता दें, ये इतनी मुश्किल अरबी है कि जिसने पहली दफा पढ़ी हो वो इसको एक दफा पढ़ के सही पढ़ ही नहीं सकता, अभी तक तो सारे फेल हुए हैं। तो फिर ये कहना कि हम लोगों को नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हो, तुसी आप तो पहुंचे कोई नहीं हो, अल्लाह दे बंदे हो, नबी अलैहिस्सलाम तक वो पहुंचा हुआ है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे है, जो आपने फरमाया, जो आपने वजीफे बताए हैं, बाकी तो आपके खुद साख्ता चीजें हैं, वो जिस तरह हिंदुओं के मानने वाले अपने वो करते हैं, आपके मानने वाले आपको सिखा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ दे के गए वो ये मौजूद है इसमें, वो इस कुरान के अंदर है, बाकी सब कुछ आपके बाबों ने आपको दिया है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया जी। और वैसे बाबों के ऊपर कोई नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे एक दूसरे के बाबों को नहीं मानते। जब सारे एक दूसरे को नहीं मान रहे हैं तो हम कह रहे हैं सारे ठीक कह रहे हो, किसी के भी ना मानो, एक बंदे को अपना इमाम बनाओ, इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तस्लीम। सो गाइज़ ये सी एक वीडियो जिद्दे विच आपां नूं अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत सोहणियां गल्लां दस्सियां, तो जिवें कि मैं वीडियो स्टार्टिंग च कहा सीगा कि यह सारा जो भी इन्हां ने गल्लां दस्सियां वह कल्ले इस्लाम की गल नहीं गी, वह लगभग दुनिया के हर एक धर्म के वो चीज़ा आपां नूं देखण नूं मिलदियां कि जिहड़ियां मन घड़ंत कहानियां ते अजकल दे सो कॉल्ड बाबे आ जिहड़े सिर्फ आपदी एक आपदे फेम दे लई जां पैसे दे लई वो इदां दीआं कहानियां रचदे आ, लोकां नूं बेवकूफ बणाउंदे आ, आपदे मतलब दे नाल जो मतलब किसी भी धार्मिक ग्रंथ दियाँ जो लाइना ने उन्हां दे मतलब आपदे अकॉर्डिंग कढ़दे आ, बहुत है साढ़े धर्म च भी बहुत ने, सिखिज़म विच भी इदां दे चमत्कार दिखाउण वाले बाबे बहुत ने, इदां दी चीज़ां करन वाले बहुत ने, इस्लाम विच भी बहुत ने आपां सुनिया ही है, तो हिंदूइज़म विच भी बहुत ने। मतलब मैनू समझ तो बाहर आ यह चीज़ां कि जिहड़े लोग ये क्लेम करते हैं कि वह भुल जाते हैं कि दुनिया बहुत वड्डी है, ठीक है, दुनिया इन्नी ज़्यादा वड्डी है, तो लेकिन उन्होंने लगता कि बस साढ़े आस पास की यही दुनिया है, ठीक है, बाकी इन्ने देश है इन्ने वो तो थोड़ा जानते तक नहीं कि तुम हो कौन, ठीक है, तो इन्नी दुनिया के विचों कोई इन्ने भी आप स्पैशल है नहीं कि यहोजे बाबिया ही कला रब ने चुनिया हो बई तू रब का बंदा तो तू जाके इदा कम कर। बई अजकल जमाने मैनू तो नहीं लगता कि कोई इदा का बंदा हो सकता
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਡਮਿਨ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਫੂਕਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਝਾੜ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈ ਚੱਲੋ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।